हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ में चावल खा सकते हैं या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक न बढ़ जाए, इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप रोज़ाना क्या खाते हैं। आप जो खा रहे हैं उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI स्कोर क्या है, और आप हर दिन कितने कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं। अगर उसे कम कर लिया जाए तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल ना रखें तो डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ यानी कि हृदय रोग, किडनी डैमेज और कई तरह की दूसरी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। दरअसल डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता है, और जिस कारण शरीर में ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चीनी तो जहर है ही, साथ ही उन्हें चावल भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है और इसका GI स्कोर भी काफ़ी अधिक होता है। दोस्तों, GI एक माप है जो यह बताता है कि कौन सा खाना ब्लड शुगर लेवल को किस तरह से प्रभावित करता है। अधिक GI रैंक वाले खाद्य पदार्थों की वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है और डायबिटीज़ का खतरा भी अधिक रहता है। लेकिन क्या डायबिटीज़ के मरीजों को पूरी तरह से चावल खाना बंद कर देना चाहिए? इस बारे में रिसर्च क्या कहती है? क्या चावल की कोई और वैरायटी है जिसका सेवन डायबिटीज़ के मरीज कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ में ज़्यादा चावल खाने के क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो वैसे लोग जो सफ़ेद चावल का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा 10% तक अधिक होता है। ऐसे में अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है तब तो आपको चावल खाने में ज़रूर संयम बरतना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जो चावल खा रहे हैं उसका GI स्कोर क्या है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं का भी यही कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में डायबिटीज़ ना हो तो आपको सफ़ेद चावल कम मात्रा में खाने चाहिए। और इस स्टडी में पहले हो चुकी 4 स्टडीज़ के नतीजों की जाँच की गई, जिसमें चीन, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के 352,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। जिन लोगों ने सफ़ेद चावल का सेवन ज़्यादा किया उन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा 27% अधिक था, और यह खतरा एशिया महाद्वीप के लोगों में ज़्यादा था। स्टडी की शुरुआत में सभी प्रतिभागी डायबिटीज़ फ्री थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़ के मुताबिक डायबिटीज़ के मरीजों को अपने रोज़ाना के कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत को साबुत अनाज से पूरा करना चाहिए। साबुत अनाज में मुश्किल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे तोड़ने में शरीर को अधिक समय लगता है, और इस कारण से ब्लड शुगर लेवल के अचानक बढ़ने का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ में कौन सा चावल खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको सिर्फ वैसा ही चावल खाना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। और वे 3 तरह के चावल जो मधुमेह के मरीजों के लिए सही माने जाते हैं वो है ब्राउन राइस, वाइल्ड राइस और लंबे दाने वाले बासमती चावल। दोस्तों, छोटे दाने वाले सफ़ेद चावल की तुलना में इन तीनों के तरह के चावल में फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है। छोटे दाने वाले सफ़ेद चावल का न सिर्फ GI स्कोर अधिक होता है बल्कि इसमें किसी तरह का कोई पोषक तत्व भी नहीं पाया जाता है। बासमती, ब्राउन और वाइल्ड राइस का GI स्कोर मध्यम होता है और इनका सीमित मात्रा में सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, पोर्शन को ये कंट्रोल करता है। अगर डायबिटीज़ के मरीज चावल खाना ही चाहते हैं तो उन्हें उसे बेहद कम मात्रा में खाना चाहिए। आधा कप चावल में करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही सिर्फ चावल खाने की बजाय उसे हेल्दी चीज़ों के साथ मिलाकर खाएं, जैसे कि चावल के साथ दाल, फलियां, बीन्स या हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ऐसा करने से आपके शरीर को जरूरी पोषण भी मिल जाएगा, और वैसे भी दाल चावल को परफेक्ट संतुलित आहार के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, चावल को कैसे पकाएं? तो दोस्तों, चावल को प्रेशर कुकर में पकाने की बजाय उसे किसी पैन या पतीले में अतिरिक्त पानी के साथ पकाएं, और जब चावल पक जाए तो अतिरिक्त पानी या मार को फेंक दें। ऐसा करने से चावल में मौजूद स्टार्च कम हो जाएगा और चावल का कार्बोहाइड्रेट लेवल भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्राउन राइस क्यों फ़ायदेमंद है? तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और चावल खाना चाहते हैं तो आपको सफ़ेद वाले नॉर्मल चावल की जगह ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए।
इसकी वजह यह है कि ब्राउन राइस में फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फोलेट वगैरह मिनरल्स और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और इस कारण अधिक वजन वाले लोग या टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जिनके शरीर में भोजन करने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे कम करने में ब्राउन राइस मददगार होता है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों पर की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि 2 बार ब्राउन राइस का सेवन करने पर सफेद चावल खाने की तुलना में भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल और हीमोग्लोबिन A1C को भी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ वजन कम करने में भी मददगार है ब्राउन राइस, और इस वजह से भी शरीर का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है कि वे अपना वजन कम करें। डायबिटीज के मरीजों के लिए यही नहीं, बल्कि वैसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है, अगर वे भी नॉर्मल सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का सेवन करें तो ब्राउन राइस में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, और जिस कारण उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो डायबिटीज के मरीज, फिर चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2, उन्हें चावल खाना पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। वे चाहे तो कम मात्रा में चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि आप चावल को कोई दूसरे हेल्दी फूड जैसे कि प्रोटीन से भरपूर दाल या फिर हेल्दी फैट के साथ मिलाकर खाएं, और साथ ही संतुलित आहार का सेवन करें। ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें।